कंसेप्चुअल पॉइंट्स हमारे पास जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे वो यहाँ पर लिखे हैं मैंने। रेशियो ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। आप याद रखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी की जो रेशियो है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू वन हो सकती है। वेलोसिटी एंड स्पीड की जो रेशियो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू वन होगी। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। इफ वेलोसिटीज आर डिफरेंट इन टू इक्वली डिवाइडेड टाइम्स देन एवरेज वेलोसिटी इज फाउंड एज। ये एक सिंपल फार्मूला लिखा हुआ। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर सेम टाइम के अंदर दो डिफरेंट वेलोसिटीज बॉडी कवर करती हैं, यानी अगर हम ये कहें कि पहले सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और नेक्स्ट अगले सेकंड के अंदर बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड या 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो आपने उन दोनों वेलोसिटीज को सम करके 2 पे डिवाइड करना है, तो जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी वो एवरेज वेलोसिटी कहना है। इसी तरह अगर एक बॉडी डिस्टेंस S1 कवर करे किसी भी टाइम T1 के अंदर और डिस्टेंस S2 कवर करे किसी भी टाइम T2 के अंदर, तो आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह, S1 + S2 / T1 + T2, ये आपके पास एवरेज स्पीड कहलाएगी। थैंक यू।